हेलो फैमिली मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक अरमान। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा एकदम लुल नॉर्मल से वीडियो को 4K HD अल्ट्रा DSLR में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलो अपने मोबाइल का कैपकट ओपन करो और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। एक बात और, कैपकट ओपन करने से पहले VPN भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो ये वाला डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे जाके। प्ले स्टोर पे ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो कैपकट ओपन करने के बाद सिंपली न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ऐड कर लेंगे जिसको हमको एडिट करना है। अब यहाँ पे मैं वीडियो और एडिटिंग वाले सेक्शन को अलग अलग कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब यही वो वीडियो जिसको हम एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कलर ग्रेडिंग का, और कलर ग्रेडिंग करने के लिए हम नीचे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा एडजस्टमेंट का, उस पर ही क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, उसके बाद आ जाऊंगा ब्रिलियंस पे, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। याद रहे आपको अपने वीडियो के हिसाब से ही कलर एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर आपका वीडियो अलग होगा तो उसके लिए थोड़ा सा अलग पॉइंट लगेगा। जैसे मेरा 12 है और यहाँ पे मैं 8 पे कर देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर लेना यार। अब आ जाते हैं HSL पे, यही मैंने और ये कलर बहुत मैंने भाई। इस कलर पे क्लिक करके सेचुरेशन को घटाना है और लाइटनेस को बढ़ा देना है, जो कि आपको एकदम गोरा कर देगा, आपके चेहरे पे ग्लो ला देगा भाई। तो इसको जरूर से कर लेना। अब बारी है इसके बैकग्राउंड को ब्लर करने की, तभी तो लड़कियां स्टोरी लाइक करेंगी। तो बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए हमको इस वीडियो को डुप्लीकेट करना है, यहाँ डुप्लीकेट वाले बटन पर क्लिक करके। उसके बाद इस वीडियो को लेयर बना लेना है, यहाँ पे लेयर वाले बटन पर क्लिक करके। तो लेयर पे क्लिक करते हैं और इसका लेयर बना के इस लेयर को हम स्टार्टिंग में लेके आके छोड़ देंगे, और इस पे क्लिक करके हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। और उसके लिए हमको जाना पड़ेगा रिमूव बीजी वाले बटन पर क्लिक करना है, ऑटो रिमूवल से रिमूव कर देना है। थोड़े सेकंड में इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमको मेन वाले वीडियो पे क्लिक करना है, और मेन वाले वीडियो पे क्लिक करने के बाद करना है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग इसलिए करेंगे क्योंकि हमको बैकग्राउंड को कलर में करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब जो हम कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं, ध्यान से देखना, इसका इफेक्ट सिर्फ बैकग्राउंड पे ही पड़ेगा, हमारे बॉडी पे नहीं पड़ेगा। तो मैं हरे पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, हरे कलर को बढ़ा देता हूँ, उसके बाद येलो पॉइंट को भी मैं बढ़ा दूंगा, ताकि हमारे बैकग्राउंड में जो हरा कलर है और येलो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। उसके बाद हम करेंगे इस वीडियो को ब्लर। ब्लर करने के लिए हमको इफेक्ट वाले पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे लेंस वाला एक बटन आपको दिख जाएगा। सिंपल उस लेंस वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा एक ब्लर का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। अब ब्लर को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, इस पे क्लिक करके एडजस्ट पे जाके आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो। ब्लर को आप अपने हिसाब से कर लेना भाई, आपको जितना ब्लर रखना है। उसके बाद इस ब्लर इफेक्ट को हम वीडियो के लास्ट तक लेके जाएंगे, आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे लेयर वाले पे क्लिक करके शार्पनेस पे जाके इसके शार्पनेस को फुल कर देना, लेयर वाले का शार्पनेस फुल करना भाई, ये जरूर से कर लेना, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद इस वीडियो को हम सेव कर लेंगे और फिर से नया प्रोजेक्ट बना के उस वीडियो को दोबारा ऐड करेंगे जो हमने अभी एडिट किया है। उसको ऐड करने के बाद हम इसमें कलर ग्रेडिंग करेंगे, जो आपको काले से बिल्कुल गोरा कर देगा, बिल्कुल लड़कियों के मेकअप की तरह। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एडजस्टमेंट पे जाना है, कॉन्ट्रास्ट को हम इंक्रीज करेंगे, और अब जादू देखना भाई तुम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ब्राइटनेस को थोड़ा सा लो कर देता हूँ मैं। उसके बाद हम सीधा चलेंगे यहाँ पे शैडो वाले ऑप्शन पर, उसको मैं बढ़ा देता हूँ, नहीं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। उसके बाद हाईलाइट को बढ़ा के हम यहाँ पे चलेंगे, शार्पनेस को भी दोबारा फुल करना है, ध्यान रखना है, ये आपको फुल कर देना है। उसके बाद HSL में आके ये कलर भाई, यही कलर जादू है भाई। सेचुरेशन को माइनस करना है, लाइटनेस को प्लस करना है, और देख लो भाई हमारा वीडियो का रिजल्ट आप खुद देख सकते हो, हमारा वीडियो पहले कैसा था और अब कैसा है वो आप खुद देख सकते हो। और यहाँ पे बैकग्राउंड को भी आप थोड़ा सा कलर कर लेना, येलो कलर और ये जो हरा कलर है, इससे आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट आ ही जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कर लेना जैसा आपको करना रहेगा। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब हमारा वीडियो बनके रेडी हो चुका है, अब आप यहाँ पे देख लो भाई। तुम दूसरों के भरोसे हो, मेरी खुद की शुरुआत है और मैं आपको अच्छा नहीं लगा, मेरे लिए यही तो अच्छी बात है। अब वीडियो हो चुकी है खत्म। अगर हैप्पी न्यू ईयर के लिए कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, और हाँ, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा के जाना।